क्लास सेवेंथ एक्सरसाइज 16.4 क्वेश्चन नंबर 9 द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 130 मीटर स्क्वेयर इफ़ इट्स एल्टीट्यूड इज 4 टाइम द क्रॉसबॉन्डिंग बेड्स। अब इसका क्या है, जो एल्टीट्यूड होगा हाइट होगी वो 4 टाइम होगी उसके बेस से, डिटरमाइन द बेस एंड द एल्टीट्यूड। इसका बेस और एल्टीट्यूड दोनों चीज़ें निकाल लें। सबसे पहले हम बेस को लेट कर लेंगे एक्स, एल्टीट्यूड को हम लेट कर देंगे 4x मीटर। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब एरिया दिया है 130 मीटर स्क्वेयर इजिकल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस एक्स है और 4x इसकी हाइट है। अब 4x और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वेयर आ जाएगा 130, ये 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें 65 आएगा, इसको काट के 65x स्क्वेयर था ना, रूट हो गया, रूट की रूट 65 की वैल्यू अगर आपने लिखनी है तो तब भी लिख के भी कर सकते हो, मैंने लिख के किया, नहीं तो आप सिंपल 4 into a करके रख दो तब भी आपका ठीक होगा। तो बेस आ गया आपको 8.06 मीटर, एल्टीट्यूड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेस को तो ये आ जाएगा आपको 32.24 मीटर। द एरिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगुलर फील्ड इज 350 सेंटीमीटर स्क्योर एंड द बेस इज 28 सेंटीमीटर मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगुलर फील्ड। हाइट ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड कैसे निकलेगी, 2 into area divided by base। 2 into area कितना है, 350 मीटर है डिवाइडेड बाय 2 into area मतलब 350 मीटर स्क्योर है डिवाइडेड बाय नीचे मीटर होगा तो 1 मीटर कैंसिल होकर, इसलिए मैंने सीधे मीटर लिख दिया आपका। 2 into 350 को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 700 divided by 28, इन दोनों को करके आ जाएगा 25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 10 के बाद आपने सीधे 13 करना है, बीच में आपको क्वेश्चन कट करवा रही हूँ मैं। द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वेयर। अब ट्राइंगल और स्क्वेयर का एरिया क्या है, इक्वल है। ई साइड मेजर 40 मीटर इसकी दी हुई है स्क्वेयर की साइड, फाइंड द साइड ऑफ द ट्राइंगल हुज क्रॉसिपॉन्डिंग एल्टीट्यूड दिया हुआ है इसका 64 मीटर, मतलब हाइट दी है, साइड आपने निकाल ली है। तो 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल सबसे पहले लिखेंगे इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वेयर 1/2 इंटू साइड इंटू साइड, इधर बेस होता है तो मतलब एक साइड निकाली है तो साइड इंटू हाइट लिख देंगे, जो एल्टीट्यूड लिख देंगे 64 जो दिया हुआ है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वेयर का क्या फार्मूला होता है, साइड इंटू साइड मतलब 40 into 40, साइड बच जाएगी 32 से जाएगा 32 जो होती है 64, साइड इंटू 32 इज इक्वल टू 4 4 जो 16 होती है 40 40 जो आते हैं 160, साइड इधर छोड़ देंगे 160 के साथ हम क्या करेंगे, सॉरी 1600 होगा, 1600 के साथ हम क्या करेंगे 32 को डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 50 मीटर। साइड ऑफ ट्राइंगल कितनी आई, 50 मीटर। नेक्स्ट बताऊंगी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो।